अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे टुडे। और लेकिन जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो ये फ्राइडे नहीं रहेगा। एनीवे डजंट मैटर, मैं देखूँगा, मैं इसको पब्लिक जो है वो फ्राइडे वाले दिन कर दूँगा, उससे पहले मैं इसको प्राइवेट रखूँगा। एनीवे इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड आप लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें, 3 बार्स ओपन होंगी तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो जल्दी जल्दी कर दें, फिर मैंने पढ़ाना भी है। अच्छा चलें भाई, नहीं आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते तो ना करें, मैं तो पढ़ाऊँ फिर। अच्छा क्लास, हम रिसेंटली जो आर्टिकल पढ़ रहे थे ना पिछले टॉपिक में, मतलब जो कल हमने जहाँ से छोड़ा था, दैट वाज ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें सारी बेसिक डिटेल जो थी वो तो मैंने बता दी थी। उस लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर किसी ने वो लेक्चर भी सुनना है जो इससे पहले मैंने बताया था, जो इसके साथ रेलेवेंट है, तो वो भी आप उस लिंक को क्लिक करके पहले वो सुन सकते हैं। तो गर्ल्स, हमने पढ़ लिया था जी ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है, उसके बाद जब दूसरा ग्रुप आगे लगता है तो जो पहले से अटैच ग्रुप होता है उसने उसको सजेस्ट करना होता है, जी आप यहाँ पर अटैच हो जाओ। इसको कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करना, कि जो ग्रुप पहले से लगा होता है वो नए आने वाले ग्रुप्स के लिए डायरेक्शन देता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है। तो क्लास आज हम बात करते हैं, इसकी बेस पे दो कैटेगरीज बन जाती हैं। वन ऑफ देम इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स एंड अदर वन इज मेटा डायरेक्टर्स या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मैं इनका थोड़ा सा इंट्रो लिख देता हूँ ताकि आपको आज के टॉपिक की प्रॉपर समझ आ जाए। पहले हम बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, पैरा डायरेक्टर्स या फिर डायरेक्टिंग ग्रुप्स लिख लें, डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ओके क्लास, अब यहाँ पर देखें, इन ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स इसलिए कहते हैं कि ये नए आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पे, मतलब ये डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके लिए ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डायरेक्ट करते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट मैंने बताया था कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जाहरी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करते हैं तो रिंग की चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ये रिंग की। और क्लास इससे फर्दर मैंने बताया था कि जिसकी वजह से रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो हम इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का नाम भी देते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्लास ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी होते हैं, विंडो क्लोज कर दें ज़रा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं क्लास। अच्छा जी, एक्टिवेटिंग इस तरह से कि बेंजीन जो है वो एक पोजीशन प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए, मतलब बेंजीन की बात करें उसकी 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल हैं, किसी एक पोजीशन पर अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है, तो मतलब एक पोजीशन है अटैचमेंट के लिए। जब ये ग्रुप लग जाते हैं ना, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लग जाते हैं, तो ये नए आने वाले ग्रुप के लिए टोटल 3 पोजीशंस दे देते हैं, एक उसमें से पैरा होती है और 2 ऑर्थो होती हैं, तो एट ए टाइम 3 पोजीशंस अवेलेबल हो जाती हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने के लिए, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। तो ये ग्रुप लगने के बाद बेंजीन की रिंग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करें तो मिथाइल जो है वो रिएक्टिव है, वो मतलब जब इसके ऊपर लगता है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो टोलिन बन जाएगा, इसका मतलब है टोलिन ज़्यादा रिएक्टिव हो गई बेंजीन से, बेंजीन से टोलिन बनेगा ना, तो टोलिन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती। वजह क्या है कि जो ऊपर मिथाइल ग्रुप लग गया है ना उसने रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है जी, टोलिन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है?
तो इसके आंसर में आपने ये सारे पॉइंट्स तरतीब से लिखने हैं। पहले ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स के बारे में बताएं, फिर आप बताएं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, फिर बताएं रिंग की चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं, फिर बताएं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, फिर एंड पे बताएं मिथाइल जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो जब बेंजीन रिंग के ऊपर लगता है तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है जिसकी वजह से टोलीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो क्लास इसमें हमने टोलीन की बात की है तो वो देख लें, मैं एज एन एग्जाम्पल वही यहाँ पर कोट करता हूँ। देखें यहां पर हम बात करते हैं टोलीन की, टोलीन CH3। अच्छा क्लास टोलीन की हम नाइट्रेशन करवाते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर में टोलीन। अब देखें ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोटोलीन। इसके अलावा पैरा नाइट्रोटोलीन बन गया, दोनों बनेंगे ना एट ए टाइम, दोनों ही बनते हैं। तो क्लास दिस इज ऑर्थो नाइट्रोटोलीन एंड क्लास दिस इज पैरा नाइट्रो टोलीन। वो रिंग डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन रिंग तो वैसे ही नेगेटिव होती है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन आने से और नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा देखें क्लास अब जरा यहाँ चीज नोटेबल है, यहाँ पर देखें हमने 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाया तो ये इसकी नाइट्रेशन हो गई। अगर हम बेंजीन रिंग की नाइट्रेशन की वैसे बात करें तो उसका टेम्परेचर 50-55 डिग्रीज होता है, ठीक है, लेकिन टोलीन की नाइट्रेशन की है तो वो 30-40 डिग्री पे आ गया, मतलब कम टेम्परेचर पे करवाया। इसका मतलब है टोलीन ग्रुप जो है, जो उस मिथाइल ग्रुप है, उसने रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। अच्छा इसके अलावा देखें क्लास अगर हम इसी रिएक्शन को थोड़े इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर करवाते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर पे करवाते हैं तो देखें फिर ये रिएक्शन तेज होता चला जाता है। लेट्स हैव अ लुक टोलीन, इसका रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ ही करवाते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 60, कितना 60-70 है ना, ठीक है 60-70 डिग्री पे, तो बच्चों ये अटैचमेंट जो होती है ना ये ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक जगह पे तो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैचमेंट हो जाती है एक ही टाइम पे। ये देखें एक ही टाइम पे ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी लग गया, ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पे भी लग गया। एक ही टाइम पे हो सकता है कि दोनों के दोनों नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएं, पैरा खाली रह जाए, ये कोई भी बन सकता है ना इनमें, मतलब हो सकता है ऑर्थो एंड पैरा पे लग जाए और या दोनों ही ऑर्थो पे लग जाए पैरा खाली रह जाए। लेकिन क्लास अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देते तो इसकी सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती है ना वो ऑक्यूपाई हो जाती है ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे जाके, 90-100 होगा शायद टेम्परेचर। ओके क्लास ये देखें यही रिएक्शन अगर आप थोड़े इंक्रीज टेम्परेचर पे करवाएं तो H2SO4 की प्रेजेंस में यही रिएक्शन आप करवा लें 100 डिग्री पे चलें, तो क्लास यहाँ पर देखें ये एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाती हैं, NO2। अब बच्चों ये होगी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन TNT इसको बोलेंगे, ये 1 पोजीशन 2, 3, 4 पोजीशन 5, 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन, इन दोनों के नाम आप खुद लिखेंगे इन क्या है। अच्छा नाइट्रो ग्रुप आना, सॉरी इट्स मिस्टेक, यहां नाइट्रो ग्रुप आना बिकॉज नाइट्रेशन हो रही है। ओके अच्छा क्लास अच्छा इसके ना नेम्स आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं इसका नाम लिख रहा,
इसके नाम आप खुद लिखेंगे। अच्छा, हम इसे आगे चलते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, हम इसकी रीजन की तरफ चलते हैं क्लास। इसकी रीजन क्वाइट सिंपल है, इसका जो आंसर है ना वो टोलिन की रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में है। तो हम टोलिन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बुक में नहीं दी हुई, आप अगर नहीं ड्रॉ करना चाहते आप ना करें, लेकिन इससे आपको चीज़ों की समझ आए कि ऐसा होता क्यों है। अभी तक आपको ये नहीं पता कि ये ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्शन क्यों देता है, तो आप ये जो डायग्राम्स मैं बनाने जा रहा हूँ ये समझने के लिए, आप नहीं बनाना चाहते तो पेपर में नाम ना आए। तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, साइलेंस प्लीज, ऑफ टोलुइन आर, देखें जरा टोलुइन की स्ट्रक्चर्स। यहाँ पांच स्ट्रक्चर्स इसकी बनेंगी, लेट मी ड्रॉ हियर, देन मैं आपको ये समझाता हूँ। ओके क्लास, ये इसकी पांच स्ट्रक्चर्स हैं, इनके दरमियान में हम ये रेजोनेंस का साइन डाल देते हैं। दिस इज अ साइन फॉर रेजोनेंस, ये रिवर्सिबल का रिएक्शन का साइन नहीं है। अच्छा क्लास देखें, मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, कार्बन इसके साथ तीन हाइड्रोजन्स होती हैं। क्लास ये क्या करता है कि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर तो है नहीं जिसे वो रिंग के अंदर डोनेट करे। क्लास ये करता गया है कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ना, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में डोनेट कर देता है। अब रिंग के अंदर कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर भी कार्बन, इसकी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा क्लास लेट्स सी अब ये रिएक्शन कैसे होता है। ये क्या करता है कि तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है फॉर द टाइम बीइंग जो है वो शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट करता है रिंग के अंदर। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने रिंग के अंदर दे दिया, इसको उठा के भी कर ले कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसको लाना ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा आप देखें क्लास, यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में आ गया, यहाँ कार्बन के ऊपर हो जाएंगे पांच इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर आ जाएगा, एज ए रिजल्ट यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर है। नेक्स्ट क्या होगा, ये फर्दर रोटेट करेगा, जब ये फर्दर रोटेट करेगा ये इधर आ जाएगा, एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट ये फिर से घूमेगा और ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड वैसे का वैसे ही। अब ये यहाँ से फिर रोटेट करेगा, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि इसका, ये देखें यहाँ पर आ गया बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, अब ये अपनी जगह पर वापस चला जाएगा इस जगह पर, और ये वापस चला जाएगा, ये इधर फिर से बन गया और इसके जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे आ गए। अब क्लास ये जो इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट किया ना, मैंने बताया कि ये रिंग में घूम के फटाफट फिर अपनी जगह पे आ जाता है, जब तक ये हाइड्रोजन जाने लगता है तब तक इलेक्ट्रॉन घूम के फिर वापस आ चुका होता है। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस, लेकिन बच्चों जब डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जाके हायर स्टडीज में आता है। अच्छा क्लास अब इनमें मैं लेबल कर देता हूँ इन स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी, ये डी है और ये ई है। अब हम ऐसा करते हैं ए और ई को छोड़ देते हैं, आप स्ट्रक्चर बी सी एंड डी देखें। स्ट्रक्चर, बच्चे आप पानी पी आओ। स्ट्रक्चर बी सी एंड डी, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप देखें। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में देखें होता क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना परमानेंटली ग्लो हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे है, नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज इज permanently present on ortho and para positions. क्लास ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अब जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तो पॉजिटिव होता है, वो तो वहाँ अटैक करेगा ना जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. तो इलेक्ट्रोफाइल अटैचेस टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एंड पैरा पोजिशंस कैसे वो भी मैं दिखा देता हूं आपको. मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समराइज कर देता हूं. ये देखें, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं. यहां पर लगा हुआ है CH3 ग्रुप, ये लें जी. अब यहां हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव भी आता है, सॉरी ये मेंशन करना भूल गया मैं. अच्छा देखें, अब यहां पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ग्लो हो रहा है. यहां पर है डबल बॉन्ड इन तीनों स्ट्रक्चर्स में. ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अंदर, ये देखें, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. और इन इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की वजह से यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, परमानेंटली ग्लो हो रहा है. ठीक है, अब क्लास जब इधर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा ई पॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो वो जाहिर बात है यहाँ अटैच हो जाएगा. इधर से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो डेफिनेटली वो यहाँ अटैच हो जाएगा. और अगर इधर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो डेफिनेटली वो इस पोजिशन पर अटैच हो जाएगा. तो हर तरफ से अटैचमेंट जो है ऑर्थो एंड पैरा पे ही होनी है. और ये नेगेटिव इम्पैक्ट किसने जनरेट किया, ये टोलिन के CH3 ने. तो CH3 जो है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा. ठीक होगी ना बात. अब ये सारी जो डिटेल है ये आपकी बुक में नहीं है, अब चाहे तो इसको ना लिखें. मैंने जस्ट इसलिए लिख दिया कि आपको इसकी समझ आ जाए. अब इसके साथ रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, टोलिन इज रिएक्टिव देन बेंजीन, वाई? तो आंसर में आपने ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं. द क्वेश्चन इज, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, टोलिन is reactive than benzene, why? Class, that's the question. Toluene reactive है, benzene की निस्बत जी ऐसा क्यों है? तो अब ऐसा है कि इस डिटेल को हम यहाँ क्लोज करते हैं. अब हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में कल बात करेंगे. आज मेरा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया हर लिहाज से. ये काफ़ी कंसेप्चुअल था इसलिए कल और आज इसमें मैंने सारी डिटेल्ड डिस्कशन की है. तो दिस इज़ इट व्यूअर, हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं. तो बाकी ये है कि आप जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें. और इसके अलावा फ्रेंड्स में लिंक को भी शेयर करें, और ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे लेक्चर्स वो भी देख लें. अपनी तारीफें खुद ही किए जा रहा हूँ मैं. चले एनीवे, आप लोग नहीं करते तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ. तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ना फिर होता है. अच्छा तो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.